Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Hapur Lok Sabha seat se chunav haarne ke baad India Gathbandhan pratyashi Sunita Verma ke pati Yogesh Verma ne yeh to kaha ki chunav aur matganna dono hi nishpaksh hui hain और सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहयोग दिया है, लेकिन यह कहने से भी वे पीछे नहीं हटे कि यदि कुछ फर्जी नेता पार्टी नेतृत्व के आदेश को विपरीत कार्य करते हैं तो यह उनके आदेश की अवहेलना है। जहां तक उस फर्जी नेता का नाम लेने की बात है तो यह सब को पता है कि और किसी का नाम लेकर वह ऐसे नेता को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते कि वह कह सके कि उसने योगेश वर्मा को हरा दिया। मतदान स्थल पर मीडिया से मुखातिब पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने यह कहा, हार और जीत का और इसमें हम चुनाव हार गए और चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने, गठबंधन ने, तमाम लोगों ने, सब साथियों ने मजबूत लड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी नेताओं को और जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या है अवनीश काजला जी हों, क्या है हमारे शायद मंजूर साहब हों, नवाजिश भाई हों, तमाम जो हमारे नेता हैं, हमारे जो खड़े हैं अजय सागर जी और तमाम भी साथी। बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई है, वो क्या कहाँ कमी रह गई थी और वो कौन सा मार्जिन रहा? देखिए, कमी तो हम नहीं कहेंगे कमी रह गई थी, लेकिन समय की कमी रह गई थी थोड़ा सा। 10-15 दिन में हमने चुनाव लड़ा और 10-15 दिन में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े लीडरों के, बड़े बड़े नेताओं के, स्टार प्रचारकों के या सेलिब्रिटी के छक्के छुड़ा दिए, बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। आप इस रिजल्ट से आश्वस्त हैं? आपको पूरा आप सही है कि रिजल्ट ठीक है, आपको तो इसमें लगता है कि गड़बड़ी की गई है? नहीं, रिजल्ट जो है, जो हुआ है, काउंटिंग जो हुई है बिल्कुल ठीक हुई है और इसके अलावा जो चुनाव भी हुआ था वहाँ गड़बड़ी नहीं कहीं भी। जैसे आपको लगता है पहले टिकट हो जाता है, जैसे लेट टिकट हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, क्षेत्र में थोड़ा बहुत सारा क्षेत्र छूट गया जहाँ हमको जाना चाहिए था। लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होता है, गांवों में हम नहीं जा पाए, बहुत सारे लोगों से हम नहीं मिल पाए, बहुत सारे लोगों से हमने बात नहीं की क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। और चुनाव में अगर हमें एक महीना मिल जाता, अभी तो 14-15 दिन, हमें 10 ही दिन और मिल जाते तो फिर देखते चुनाव का माहौल ही। और वैसे तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन चुनाव हम मजबूती से लड़े हैं, मजबूती से हम क्योंकि जीत रहे थे। तमाम आपको पता है कि अच्छी वोटों से हमारा सब लोग जो है बधाइयां दे रहे थे क्योंकि चुनाव का माहौल ही ऐसा था। गठबंधन वैसे मजबूती से हमारा उत्तर प्रदेश में लड़ा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक जनरल सीट पर हमें टिकट दे के बहुत बड़ा हमारे समाज को जो एहसान किया था। और मैं ये कहूंगा कि जनरल सीट पर हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला और मजबूती से हमने अंतिम समय तक सपा अपनी अंतरकलह से सीट पर टिकी रही कि अपनी हार में एक बड़ा कारण इसको भी माना। और वरिष्ठ नेता भी जो है जो नहीं दिखाई दिए जो बड़ी मौके पर। देखिए, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है उसको मानना चाहिए। जो बड़े नेता पार्टी हाईकमान के आदेश को मानते हैं उन्होंने हमें चुनाव लड़ाया। दूसरी बात, जिन्होंने जो नेता जो फर्जी काम करते हैं, जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, वो लोग अगर पार्टी विरोधी काम करेंगे तो पार्टी में ऐसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसी फर्जी नेता कौन है, आप किसका नाम लेना है, कौन है वो, आपको कौन नजर आता है? नाम तो सबको पता है, बता भी देंगे, प्रेस वार्ता करके बता देंगे। और अभी हम चुनाव उसमें से निकले, अभी हम किसी के सिर पे ये ठीकरा फोड़ के उनको बड़ा नेता नहीं बनाना चाहते कि वो चुनाव योगेश वर्मा को करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंतर कलह जो है वो नहीं होनी चाहिए, अंदर की जो कलह जो है वो नहीं होनी चाहिए। चुनाव हमने मजबूती से लड़ा। तो आपको लगता है कि जो अभी अपने ही नेता, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चूक करी और दगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं। मेयर का चुनाव जो हारी थी सपा, क्या है उसका परिणाम या उसका रिवर्स हम देख सकते हैं? नहीं, आपकी तरफ से आप क्या फीडबैक, आप क्या? हमने इतना मजबूती से 5-7 हज़ार वोटों से हम चुनाव हारे हैं, इतना मजबूत हमने चुनाव लड़ा है, 15 दिन में हमने चुनाव लड़ा है। राष्ट्राध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया, राष्ट्राध्यक्ष जी का तो बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर
और राष्ट्रपति जी को मैं दिल से मैं आपको बता दूं, पूरा जीवन में समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति करूंगा और समाजवादी पार्टी में पूरी ताकत से, क्योंकि उन्होंने जनरल सीट को मुझे टिकट दिया है। धन्यवाद, ये बहुत बड़ी। इससे पूर्व अंतिम राउंड से पूर्व योगेश वर्मा ने कहा था कि कुछ वोटिंग मशीन खराब है, उनके दोबारे से काउंटिंग होना बाकी है, नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। देखिए क्या कहा योगेश वर्मा ने। अभी जो है क्योंकि कुछ मशीनें खराब हैं, 5 हापुड़ में खराब हैं, 2 मशीन उसमें दक्षिण में खराब है, 2 मशीन कैंट में खराब हैं, 1 शहर में खराब है, 3 पिठोर में खराब है। तो ये मशीन खराब है और अभी पोस्टल बैलेट की जो है उसकी घोषणा होनी बाकी है। बाकी जो है थोड़ा सा अंतर है, 4,000-5,000 वोट होगा और हो सकता है इसमें कवर हो जाएगा। अब मान रहे हैं कि जीत होती है। ये खराब मशीनों के बारे में क्या बताया गया आपको, क्या है? अभी भी पैड की गिनती शुरू होने वाली है, अभी गिरेंगे और हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक एक वोट ना गिरे। खराबी की वजह आपने पता कर ली? खराबी की वजह जो है बता रहे हैं खराब है, वो चालू नहीं हुई, काम नहीं किया उसने मशीन ने, लेकिन वीवीपैट गिनेंगे, खराब जो है उसके कारणों का पता कर लेंगे। विपक्ष हमेशा सत्ताधारी पर ये आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि ये मशीन खराब होने की वजह किसे मिली जुली तो नहीं? अभी देखते हैं, सारी बताएंगे क्या है क्या नहीं है। सपा सबसे ज़्यादा सीट जीत रही है इस बार यूपी में, इस रिजल्ट से सपा गठबंधन की सरकार बनने का है और बाकी गड़बड़ी है उसको देखेंगे, बताएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।